हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दही अरवी बना के दिखाऊंगी। राधा अष्टमी पे जो राधा रानी का प्रिय भोजन है, भोग है, चलिए दिखाते हैं। ये मैं अरवी ली हूँ, इसे धुल ली हूँ अच्छे से। अब इसको मैं छील के और कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं, मैं इसको धुली थी और इसको छील के अच्छे से कट कर ली हूँ। इसको ना ज़्यादा पतला रहे ना मोटा रहे, और थोड़ा लंबे स्लाइस में रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए बनाते हैं। और ये मैं हरी मिर्च कट कर ली हूँ। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मैं इसमें आधा तेल और घी, देसी घी ऐड की हूँ। आपके पास अगर घी ज़्यादा हो तो घी में फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो तेल और घी दोनों मिक्स करके कर सकते हैं। माता रानी को घी में भोग लगाना चाहिए, घी नहीं हो है तो तेल में और घी दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब अरवी हम इसमें अरवी डालेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। अरवी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अरवी को मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें से हम आधा से ज़्यादा तेल निकाल लेंगे। अब मैं तड़का के लिए थोड़ा सा अजवाइन ले ली हूँ। अजवाइन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्ची काट के मैं ले ली हूँ लंबे स्लाइस में। थोड़ा सा मिक्स मसाला है। आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर है। काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही राधा रानी को बहुत पसंद है, इसलिए राधा अष्टमी पे दही अरवी बनती है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। अरवी, ये फ्राई किया हुआ अरवी भी ऐड कर देंगे अच्छे से। अरवी तो हमारी पक ही गई है, लेकिन इसमें डाल के थोड़ा पकाएंगे। ये हमारी दही अरवी पक के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से। हम एक कटोरी में भोग के लिए निकाल लेंगे। दही अरवी बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और माता रानी का भोग लगाएं।